ओके सो वेलकम बैक गाइस सेकंड पार्ट में फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले। काफ़ी लेट आ रही है दूसरी वीडियो, मेरे को मालूम है कमेंट सेक्शन में भर गया था, बट मैं क्या करूँ, इतना लेट मेरे को हो जाता है वीडियो बनाने में। मेरे को बाकी सारे काम भी रहते हैं, बाकी सारे कमिटमेंट पूरे करने के चक्कर में इसका कमिटमेंट। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, इसमें एफर्ट्स इतना ज़्यादा लगता है ना कि मेरे को पहले ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करना रखता है, फिर जब मैं स्क्रीन पर जो आप अभी देख रहे हो ये सब जो प्ले हो रहा है इसको अलग से बनाता हूँ अपने ऑडियो के साथ सिंक करते हुए, और फिर दोनों को सिंक करता हूँ। मतलब तीन स्टेप एडिटिंग होता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। इसके पहले मैंने PPT फॉर्मेट में भी कुछ दो तीन वीडियो बनाए, पता नहीं कौन से चैप्टर की, शायद से 7th या 8th चैप्टर की, बट वो लोगों को पसंद नहीं आई ज़्यादा, तो मैंने बोला कि इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। अब इसमें एफर्ट्स और टाइम ज़्यादा लग जाते हैं बट यही लोगों को पसंद ना आ रहा है, तो इसलिए मैं यही वाली वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है, फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, इससे पहले मैं ये बोल दूँ कि इसका पहला पार्ट जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना, तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर किसी को सिर्फ फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर वो देख सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। ओके, तो फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट एक बेसिकली तरीका होता है बिज़नेस को एक्सपांड करने का। ये एक पर्टिकुलर बिज़नेस फॉर्मेट नहीं है, बट ये एक वे ऑफ इंक्रीजिंग योर बिज़नेस एम्पायर, मतलब अपने बिज़नेस को बढ़ाने का, अपने बिज़नेस को एक्सीड करने का, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। ये एग्जैक्ट एक बिज़नेस फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसमें होते क्या हैं, फ्रेंचाइजिंग में होते कौन कौन है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है फ्रेंचाइज़र, नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज़र ओनर होता है मेन उस ब्रांड का, उस नेम का, और जो फ्रेंचाइजी होता है वो बायर रहता है। मतलब एक इंसान उस ओनर से उसका नाम खरीद लेता है और उस नाम के उस नाम से वो सामान बेचता है। लाइक KFC का ओनर कोई और है, बट इंडिया में काफ़ी सारे उसके स्टोर्स हैं जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट बेचता है। वैसे पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़, ये सारे फ्रेंचाइजिंग के कंसेप्ट हैं। ठीक है, इसमें ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब कि तुम क्या चीज़ बेचना चाह रहे हो। लाइक ये KFC अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वैसे ही एसर हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट में यही होता है, फ्रेंचाइजर ओनर और जो फ्रेंचाइजी है वो बायर होता है, जो उसका नाम यूज़ करके सामान बेचता है। इसमें फ्रेंचाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि ना वो उसको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा साथ में, मतलब उससे रॉयल्टी फीस तो लेगा वो, कि ठीक है तुम मेरा नाम ले लो, मेरे को पैसा दे दो, लेकिन उसके साथ नाम के साथ साथ मैं तुमको गाइडेंस भी दूंगा ताकि मेरा नाम ख़राब ना हो। लाइक KFC के आउटलेट और डोमिनोज़ के आउटलेट और उनके एम्प्लॉयज़ के कपड़े तुमने देखे होंगे, हर स्टोर में एक जैसे ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं रहता, 19-20 ही रहता है। तो इस तरीके से फ्रेंचाइज़र बताता है कि इस तरीके से आपको स्टोर को चलाना है, इसमें वो मदद करता है एम्प्लॉयज़ हायर करने में, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में, नई टेक्नोलॉजीज़ अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको सिखाने के लिए, ये सारा काम जो है फ्रेंचाइज़र करता है। फ्रेंचाइजी बस इसके बदले में पैसा देता है। टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग, अब टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग मतलब किस तरीके की फ्रेंचाइजिंग होती है। तो सबसे पहला तो आता है प्रोडक्ट या ट्रेड। इसमें क्या आता है, जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया KFC, पिज़्ज़ा हट, ये सारे क्या है, फूड है इनका ट्रेड, मतलब इनका मेन प्रोडक्ट क्या है, फूड एंड बेवरेजेस, यही सर्व करते हैं, फूड चेन्स हैं। वैसे अगर तुम एसर, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इन सबको देखोगे तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचते हैं, उनका ये ट्रेड है, पेट्रोलियम इनका ट्रेड है। वैसे ही अगर तुम टायर्स, MRF, अपोलो, इनको देखोगे तो इनका टायर है ट्रेड। क्या अगर तुम मारुति सुजुकी, हुंडई, इनको देखोगे तो ये कार बेचते हैं, ऑटोमोबाइल्स बेचते हैं। तो ये ट्रेड है, तुमने एक पर्टिकुलर ट्रेड सेलेक्ट कर दिया, ओके मेरे को इस पर्टिकुलर ट्रेड का ही फ्रेंचाइजिंग खरीदना है, मेरे को टायर्स की फ्रेंचाइजिंग खरीदनी, तो अपोलो, MRF इनके पास जाऊंगा। नेक्स्ट टाइप है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर वे, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ मैकडॉनल्ड्स का, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट, जैसे मैंने बोला इनका जो स्टोर है समवॉट एकदम सिमिलर लगता है, किसी भी स्टोर में जाओगे तो एक तरीके सेम एक्सपीरियंस, सेम वाइब्स तुमको आएंगी। वो मतलब उन लोगों ने प्री डिटरमाइन कर लिया रहता है कि तुमको तुम्हारा स्टोर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, एम्प्लॉयज़ इस तरीके से दिखना चाहिए, इस तरीके से ट्रीट करने चाहिए, इस तरीके का वहाँ का एटमॉस्फेयर तुम्हारे स्टोर का होना चाहिए। और ये अगर फ्रेंचाइजी एक्सेप्ट कर लेता है कंडीशंस को, तभी फ्रेंचाइजर उस फ्रेंचाइजी को देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आता है कि तुम एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट कर रहे हो। मतलब अगर इंडिया को कोई एक स्टेट ले लो, लाइक MP को ले लो, तो MP में अगर तुम देखोगे तो MP के अंदर कितने स्टोर्स हैं, MP में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम ले लेते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट में उसने डिसाइड कर रखा है फ्रेंचाइजर ने कि इतने स्टोर्स होने चाहिए, एक या दो, लेकिन वो भी दूर दूर, एकदम आसपास नहीं, वरना राइवल हो जाएंगे तो फ्रेंचाइजी का ही नुकसान हो जाएगा, इसका कस्टमर इसके पास चला जा रहा है, इसका कस्टमर इसके, तो इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप बोलते हैं। ओके, अब अगर एक फ्रेंचाइजी अगर एक फ्रेंचाइजर के पास फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए जाता है तो फिर क्या होता है कि वो कुछ एग्रीमेंट्स अपने आप में बनाते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, दोनों उसमें एग्री हैं तभी वो फ्रेंचाइजिंग जो है अग्री की जाती है, मानी जाती है। तो सबसे पहले तो टेरिटोरियल फ्रेंचाइजी, जहाँ पर
फ्रेंचाइजर पहले ही बोल देता है फ्रेंचाइजी को कि तुम इतने टेरिटरी के अंदर काम करोगे, इस स्टेट के अंदर काम करोगे, इस स्टेट के बाहर नहीं, क्योंकि उस स्टेट के बाहर किसी और ने फ्रेंचाइजी खरीद कर रखी है तो वहाँ उसका नुकसान हो जाएगा, तो वो नुकसान ना हो इसके लिए टेरिटोरियल फ्रेंचाइजी को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल फ्रेंचाइजी, जिसमें तुम फ्रेंचाइजी जो है अपने सामान को माई लाइक मोबाइल मतलब कहीं पर भी ईजिली लेकर जाके बेच सकता है, वैंस के थ्रू, गाड़ी के थ्रू या फिर और किसी के थ्रू वो बेच सकता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अभी जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या होता है कि तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सामान को, लेकिन एक एग्रीमेंट ये है कि तुमको एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल, जस्ट फर्स्ट पॉइंट जैसे ही था ये, ज्योग्राफिकल पॉइंट के अंदर ही रहकर तुमको अपने सामान बेचना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का मतलब। नेक्स्ट है को ओनरशिप, यहाँ पर होता है क्या कि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी है इन्वेस्टमेंट जो है एकदम पार्टनर्स जैसे, लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप जैसे होती है वैसे ही अपना दोनों परसेंट डिवाइड करके इन्वेस्ट करते हैं और फिर प्रॉफिट भी लेते हैं। नेक्स्ट वैसे ही है को मैनेजमेंट टाइप, जहाँ पर तुम जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही पोर्शन तुमको प्रॉफिट भी मिलेगा, 60% अगर तुम इन्वेस्ट करो तो 60% प्रॉफिट भी मिलेगा। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग, यही कि अपना नाम यूज़ करने के लिए दे देता है जो फ्रेंचाइजर है अपने फ्रेंचाइजी को, इसको ही लाइसेंसिंग बोलते हैं। सर्विस, सर्विस के मतलब अभी जैसे मैंने पहले ही बोला कि तुमको बताना है कि किस तरीके से काम करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में हेल्प करना है, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें तो देता है फ्रेंचाइज़र इतना सब कुछ फ्रेंचाइजी को, तो फ्रेंचाइजी को उसके बदले में भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो क्या क्या चीज़ें होती है, उनको कौन कौन से कॉस्ट झेलने पड़ते हैं फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजिंग खरीदते वक्त। तो पहली चीज़ है इनिशियल फ़ीस जो कि तुम दोगे अपने फ्रेंचाइज़र को कि हाँ मैं आपका नाम खरीदना चाहता हूँ तो मैं आपको ये इनिशियल फ़ीस दे रहा हूँ तो आप मेरे को अपना नाम दे दो करके। देन उसके बाद रॉयल्टी फ़ीस, मतलब तुम जैसे जैसे सामान बेचते जाओगे तो तुम उसका नाम यूज़ कर रहे हो तो रॉयल्टी देते रहोगे कि हाँ तुम मेरा ये नाम यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो वो टाइम टू टाइम डिवाइडेड रहता है और ये समवेयर 5-8% ऑफ द सेल वैल्यू रहता है हर हर एक ब्रांड का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग फ़ी, अब एडवर्टाइजिंग फ़ीस भी जो है फ्रेंचाइजर ही अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं ना, अपने ब्रांड को ऊंचा उठाने के लिए वो प्रमोशंस कराता है, एडवर्टाइजमेंट कराता है, तो उसका तो खर्चा लग रहा है और फ्री में तो उठाने नहीं देगा फ्रेंचाइजी को फ़ायदा, तो फ्रेंचाइजी को भी बोलता है कि तुम मेरे को थोड़ा फ़ीस दो कि मैंने वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करा था एडवर्टाइजमेंट में से थोड़ा सा मेरे को भी उससे रिकवरी मिले करके। और नेक्स्ट है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे चीज़ें रहते हैं जो कि तुम जो मान लो अगर तुम कोई एक फूड चेन का काम कर रहे हो, ठीक है, फूड चेन की फ्रेंचाइजिंग में हो, तो वहाँ पर क्या तुमको अपने सामान जिस तरीके से जो भी बनाना है, पिज़्ज़ा बनाने या फिर कुछ भी बनाना है, तो उसमें जो जो भी रॉ मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, कई बार होते हैं कि फ्रेंचाइजर बोलते हैं कि वो चीज़ भी तुम हमसे ही खरीदो, इधर उधर से खरीदोगे नहीं, वरना टेस्ट वैरी हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है जो कि हम नहीं चाहते होए करके, और वो बोलते हैं कि तुम हम ही से खरीदो वो रॉ मटेरियल्स भी, तो वहाँ पर भी फिर फीस जो है वो लग जाती है, देनी पड़ जाती है उनको। अब तुम बहुत सारे अपने नाम को बेच रखे हो, बहुत जगह पर तुम्हारे स्टोर्स तुम्हारे नाम के स्टोर्स खुले हुए हैं, तो अब अगर एक भी स्टोर ऊपर नीचे परफॉर्म करता है, अच्छा है बुरा परफॉर्म करता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल तुम्हारे ब्रांड नेम और बाकी सारे स्टोर्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो तुमको क्या चाहिए कि एक यूनिफॉर्मिटी हो हर स्टोर में, ताकि हर स्टोर एक तरीके से ऑपरेट करे, और अगर एक तरीके से ऑपरेट करेगा तो समवट उनका कस्टमर एक्सपीरियंस हर स्टोर के साथ एक जैसा रहेगा, कहीं पर बिगड़ेगा नहीं, कहीं पर अच्छा मतलब एकदम ही अच्छा नहीं हो जाएगा ऐसा, तो उसकी वजह से सब कुछ सब जो कस्टमर है वो खुश रहेंगे। तो अब ये फ्रेंचाइजिंग चेन के अंदर यूनिफॉर्मिटी किस तरीके से लेकर आई जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसके अंदर ये होता है कि स्टोर एक तरीके से दिखने चाहिए, बेसिकली ये फूड चेन्स में तो सबसे ज़्यादा होता है, और थोड़ा बहुत अगर तुम शोरूम्स देखोगे कार के तो वो भी एक तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, उनका स्टोर एक जैसा ही दिखता है, एक स्टैंडर्ड बेस बना दिया रहता है, उस इसी के आसपास दिखना चाहिए स्टोर, ऐसे ही लाइक कॉपी पेस्ट टाइप दिखना चाहिए, वो कोशिश करते हैं हर स्टोर। नेक्स्ट है डिटेल्ड प्रोसेस एंड प्रोसीजर, अब डिटेल्ड प्रोसेस एंड प्रोसीजर मतलब हर स्टोर में एक ही रेसिपी से काम चलाया जाएगा, एक ही रेसिपी से तरीके से पिज़्ज़ा बनाया जाएगा, और हर स्टोर में वही सेम रेसिपी से पिज़्ज़ा बनाया जाएगा, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे हर जगह के स्टोर से, अगर तुम कुछ भी खरीदो तो तुमको टेस्ट जो है सेम सा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो भी उसी तरीके से काम करना चाहिए जिस तरीके से सारे स्टोर्स के करते हैं, उनका जो बिहेवियर है कस्टमर को ट्रीट करने का, ये सब कुछ भी एकदम मैच होना चाहिए हर स्टोर के साथ। नेक्स्ट है फील्ड ऑडिट, अब इसमें क्या है फील्ड ऑडिट मतलब तुमको रेगुलर चेकअप करते रहना पड़ता है कि ओके सब कुछ जैसा कि फ्रेंचाइजर ने बोला है वैसे ही सब कुछ चल रहा है कि नहीं, तो एक बंदा होना चाहिए जो कि देख रहा है कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं फ्रेंचाइजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एक सरप्राइजिंग कस्टमर्स टाइप्स, या फिर बोल सकते हो मिस्ट्री शॉपर्स, इनका काम क्या होता है, ये ना एक फ्रेंचाइजर का ही एक एम्प्लॉय होता है या फिर उसका ही कोई
उसी डिपार्टमेंट का कोई बंदा होता है, वो एक कस्टमर बन के एक फ्रेंचाइजी के स्टोर, अपने ही फ्रेंचाइजी के स्टोर में जाता है और कस्टमर बन के जाता है और सब कुछ ऑर्डर करता है और देखता है सब कुछ सही से है कि नहीं, मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं और रेसिपीज सही से बन रही है कि नहीं, ताकि उसको पता रहे कि उसके ब्रांड के प्रोडक्ट सही से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ये तुमको मैकडॉनल्ड्स में भी दिखेगा, बहुत बार सुनने को आया कि उसके ओनर खुद ही कभी कभी अचानक से वहाँ पर विज़िट कर लेते हैं खाने के लिए, देखते हैं कि सही से सब कुछ बनता है अभी भी कि नहीं बन रहा और एम्प्लॉयज़ सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सरप्राइजिंगली बिना बताया जाते हैं। ये इसको भी बोल सकते हैं कि मिस्टिकल शॉपर, लेकिन मिस्ट्री शॉपर में ऐसा है ना कि पता ही नहीं है कि कौन आने वाला है, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये जो मैंने मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया वहाँ पर तो ओनर आएगा तो सबको तो पता चल गया ओनर आया करके, तो शायद वो अच्छे से काम करने लगे। ओके, तो फ्रेंचाइजिंग के बारे में समझ में आ गया। तो अब फ्रेंचाइजिंग में दो पार्टी होते हैं, एक फ्रेंचाइजर और एक फ्रेंचाइजी। अब इन दोनों भी तो अपने नाम को बेचने से पहले या फिर किसी का नाम खरीदने से पहले कुछ ना कुछ दिमाग में रखते होंगे कि खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हम देख लेते हैं। तो पहले फ्रेंचाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि वो फ्रेंचाइजी को बेचने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान में रख सकता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब वो देखेगा कि फ्रेंचाइजी के पास इनफ पैसा है कि नहीं रॉयल्टी फ़ीस देने के लिए, फिर इनिशियल पेमेंट्स देने के लिए, एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट्स, जो अभी मैंने फ़ीस डिस्कस करी वो सब देने के लिए उसके पास उतना पैसा है या नहीं है। दूसरी चीज़ वो ये भी देखेगा कि उसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं और एकदम लाइक पीक लोकेशन पे है कि नहीं, जहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी हो और ज़्यादा हो, ऐसी जगह पर उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं है। नहीं है तो फिर वो क्यों बेचेगा, उसके लिए नुकसान होगा वो। नेक्स्ट है रेपुटेशन एंड एक्सपीरियंस। वो बिज़नेस ओनर पहले से कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, लाइक एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लेटेस्ट एग्जांपल है, इसके बारे में शायद मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी बस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। 7-Eleven और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी टाइप होने वाला है। तो इसमें क्या है, रिलायंस और 7-Eleven इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो एक दूसरे में देखा होगा ना कि ओके इसका रेपुटेशन है, लाइक 7-Eleven जापान की कंपनी है तो उसने देखा होगा कि रिलायंस ओके इंडिया में हमको अपना करना है, ब्रांच फैलाना है, दिल्लीज में तो है, मेट्रोज में तो अवेलेबल है, बट अब पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया में इनको ऑपरेट करना है, तो उसके लिए वो रिलायंस के साथ टाइप कर रहे हैं। अब रिलायंस के साथ उन्होंने क्यों टाइप किया, क्योंकि उनको देखा कि ओके उनका इंडिया में नाम है, काफ़ी सारे अब तो स्टोर्स भी खुल चुके हैं, जियो मार्ट, जियो फ्रेश, काफ़ी सारे जियो के स्टोर्स भी खुल चुके हैं अब लाइक लोकल एरियाज़ में भी और बाकी सारी चीज़ें भी। तो रेपुटेशन और एक्सपीरियंस है कि नहीं उस ब्रांड का, ये भी देखते हैं, पहले से उसने कुछ बिज़नेस किया है कि नहीं, या फिर एकदम न्यू भी तो नहीं है, अगर नया नया बंदा उसको कुछ भी नहीं पता बिज़नेस के बारे में तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो लॉस जनरेट कर देगा बिज़नेस के लिए और तुम्हारा ही नाम डुबाएगा और तुम्हारे प्रॉफिट्स भी गिराएगा। और ये भी देख सकता है कॉम्पेटिबिलिटी इन वर्किंग स्टाइल, मतलब तुम दोनों के माइंडसेट एक जैसे हैं कि नहीं, तुम एक तरीके से सोचते हो कि नहीं, कस्टमर्स को लेके तुम्हारे जो पॉइंट ऑफ व्यू वो मिलते हैं कि नहीं है, तुम्हारा बिज़नेस स्टैंडर्ड मिक्स करता है कि नहीं करता, अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्यों करोगे, ठीक है। जैसे रिलेशनशिप में भी होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉम्पेटिबिलिटी इशूज़, ये सारे वो सारी बिज़नेस में भी होते हैं, तो हाँ तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को याद कर लेना, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कॉम्पेटिबिलिटी वर्किंग स्टाइल में। नेक्स्ट, अब फ्रेंचाइजी क्या क्या चीज़ें को ध्यान में रखेगा फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजर से ख़रीदते वक्त। तो फ्रेंचाइजी ये सारी चीज़ों को ध्यान में दे सकता है कि पहले तो देखेगा फ्रेंचाइजर के पास लाइक प्रॉपर उसका बिज़नेस मॉडल है कि नहीं, लाइक प्रूवन है कि नहीं, पहले से उसका नाम अच्छा बड़ा है या नहीं, लोग उसके ब्रांड की इज्जत करते हैं कि नहीं, उसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सपोर्ट, मतलब वो फ्रेंचाइजर का जैसे मैंने बोला एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फ्रेंचाइजी को कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहे, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में, न्यू टेक्नोलॉजीज लाने में, और हाँ अपग्रेड करने के लिए भी अपने प्रोडक्ट्स को टाइम के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा, लाइक ऑनलाइन डिलीवरी जैसे अब चालू हो गया है तो बहुत कॉमन सी बात है, तो ये सारी चीज़ को बाकी सारे फूड चेन्स को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, क्योंकि अब हर कोई कस्टमर ऐसा तो नहीं है कि वो रेस्टोरेंट से जाके खाएगा और वहीं पर बैठ के खाएगा, अब लोग घर पे ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस अपग्रेडेशन चाहिए। वैसे आगे भी अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ नया करते हैं, तो वो भी तुमको करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ भी ध्यान में रखता है फ्रेंचाइजिंग। सीख अदर फ्रेंचाइजी, यहाँ पर मैं फ्रेंचाइजिंग वो सा वर्ड थोड़े ऊपर नीचे हो जा रहा है, उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ना और मैं यहाँ वर्ड्स में बड़ा बड़ा लिख दूँगा फ्रेंचाइजर या फ्रेंचाइजी, तो तुमको समझ में आया कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं हम, ठीक है। सीक अदर फ्रेंचाइजी, मतलब अब तुम ऐसा तो नहीं है कि एक फ्रेंचाइजर ने सिर्फ एक ही बंदे को, नहीं भाई तुम मेरे खास हो, मैं तुमको ही अपना नाम यूज़ करने दूंगा और किसी को भी नहीं यूज़ करने दूंगा अपना नाम, ऐसा तो है नहीं, वो मल्टीपल लोगों को अपने नाम बेच कर रखता है। जिन जिन को उन्होंने नाम बेच कर रखा है उनसे जाके तुम पूछो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, लाइक
आपको प्रॉफिट अच्छे से मिलता है कि नहीं, और लोग कस्टमर्स जो आपके स्टोर में आते हैं उनका परसेप्शन क्या रहता है पहले से आज ब्रांड के तरफ, अच्छा है या बुरा है, लोग पसंद करते हैं कि नहीं, ख़रीदना पसंद करते हैं कि नहीं, डिमांड कितनी होती है तुम, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितना जनरेट कर ले, तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि तुम भी समवॉट वैसा ही ऑपरेट करोगे या फिर उससे अच्छा भी कर सकते हो, लेकिन एक बेस आइडिया आ जाएगा कि इतना तुम कम से कम मेरे को मिलेगा इन्वेस्ट करने के बाद। एंड फाइनली टर्म्स एंड कंडीशंस, कि तुमको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहा है फ्रेंचाइजर अपना नाम बेचने से पहले, ये सारी चीज़ भी पढ़ लो, कहीं फंस ना जाओ। म्यूचुअल फंड में भी जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो सब कुछ पढ़ना चाहिए। गेम्स में भी प्राइवेसी पॉलिसी वो सब होता है बट स्किप कर देते हैं, बट ये तो सब बहुत बड़े बड़े डिसीजन तो तुमको पहले से अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और मेजरली ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि तुमको टेरिटोरियल राइट मिल रहा है कि नहीं, तुम्हारे आसपास बहुत सारे मल्टीपल वही स्टोर्स तो नहीं है, वरना तो तुम्हारे लिए नुकसान है। तुमको अपने फ्रेंचाइजर को बोलना पड़ेगा कि ये एरिया मेरे लिए रिजर्व कर दो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही बेचूँगा ताकि प्रॉफिट मेरे को ढंग से मिल पाए, वरना बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाएगा प्रॉफिट तो मेरा नुकसान है, तुमको तो फायदा होने ही वाला, बस मेरे को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। ओके सो दैट इज़ इट फॉर दिस पार्ट। इसका थर्ड पार्ट भी है क्योंकि मैं सेकंड पार्ट में पहले मर्ज करने वाला था बट वो आधे घंटे से ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसको वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ और थर्ड पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। और थर्ड पार्ट को भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इस बार वेट नहीं करना पड़ेगा इस अगले पार्ट के लिए, दोनों पार्ट मैंने एक साथ अपलोड कर दिए। अब हो क्या रहा था कि पिछले वाले पार्ट को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, इसलिए मैंने सोचा कि ऑलरेडी एडिट हो ही चुका है ये, तो इसको भी अपलोड कर देता हूँ, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। तो थर्ड पार्ट को भी जाके एक बार प्लीज़ से देख लेना पूरा, तो ई टेलिंग का भी कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा।